everyone, मेरा नाम है AS Topic और Instagram और Twitter पे बिल्कुल भी follow मत कीजिएगा। तो आज हमारे साथ आइए एक सुमे की काई। तो चलिए हम उनसे बातें करते हैं। Hi, Hello, राम राम, आपको भी राम राम, आपका बहुत स्वागत है। मैंने कभी अपने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा। सच्ची बोल रहा मैं। हमने वैसे सोचा था कि किधर फंस गया मैं। पंछी पे भी उड़ती फिर मस्त कैसे। आप तो रिक्शा वाले थे ना, तो डॉक्टर बन के कैसे आ गए यहाँ पे चेकअप करने। एक्चुअली जो है ना, मेरे वो रिक्शा वाले कपड़े है ना, वो धोने के लिए डाले, तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल में से उठा के लाया है। आजकल डॉक्टर की डिमांड ज्यादा है ना, इसलिए बाकी के 100 मेंबर रिटायर हो गए, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। और चैन्योर का तो ना बिजनेस चालू हो गया है डपली बजाने का। आपका फेवरेट 100 मेंबर कौन सा है? मुझे 100 में का वो काई पसंद है, वही सबसे टैलेंटेड है, बाकी सब लोग फालतू है। और उसका वो रमता जोगी का डांस एक नंबर। तो आपको BTS में का कौन पसंद है? कोई तो होगा ना BTS में का आइडल आप? काई पसंद है ही। इसका मतलब आपको काई ही पसंद है घुमा। मुझे ब्लैकपिंक में का कोई नहीं पसंद है, मुझे बस मेरी आवाज और डांस। ओके, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? बहुत सारे कलर होते हैं दुनिया में, मुझे मेरे दांत का कलर बहुत पसंद है ही। ओह, मुझे पीला कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपके दांत का कलर जो पीला। बेइज्जती मत कराओ मेरी। आपको 100 में से किससे जलते हो आप बहुत ज्यादा, और ऐसा लगता है कि मैं उस जगह पे होना चाहता जहाँ पे ये है। मुझे सबसे ज्यादा जलन सेहुन से होती है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी है और उसे बॉल खेलना भी आता है। मैं रमता जोगी कर करके थक गया हूँ, मुझे कुछ नया ट्राई करना है। मुझे बैकयून से भी जलन होती है, क्योंकि उसका नाम बी से शुरू होता है और मेरा जैसे, अरे जैसे नहीं, कैसे शुरू होता है। हाँ, कैसे ही होता है। अगर आपका नाम बी से होता तो आपका नाम बाई होता, काई नहीं, और जैसे जाई होता, इससे अच्छे तो काई ही है आपका नाम। फालतू सारे के फिर भी मेरे खुद का नाम देख फिर बोलना मेरे नाम। हंसी आ रही है फिर भी ही। मैं डॉक्टर बन के इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और सबको पकड़ पकड़ के इंजेक्शन मारूं और कोरोना वायरस को भगाऊं। पर मैं खुद ही घर से भाग गया और आइडल बन गया है ना। अच्छी अच्छा, बाल भी जुए बड़े आ गए। पता है मुझे कि डॉक्टर बन के बेइज्जती कम सुननी पड़ती है, पर चैनियोर को फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आपके घर पे पड़ोस में कौन कौन रहता है? मतलब ऐसे ही पड़ोस में आंटियां रहती है? ताली बजाओ इसके लिए। पड़ोस में आंटियां नहीं, अंकल। इसका नाम बता जरा, कोई होगा ना पड़ोस में रहने वाला आपका, घर के बाजू में या फिर घर के? मुँह छुपा के जाते होगे उनके घर पे भैंस बजा। मैं भैंस नहीं, गाय का दूध पीता हूँ लस्सी। कभी कोई आपके घर पे शक्कर मांगने आया क्या, या फिर सिलेंडर मांगने, या फिर नमक मांगने? कभी कभी नमक खत्म हो जाता है ना पड़ोस। कोई मांगता तो नहीं, लेकिन मैं जाता हूँ उनके घर पे नमक शक्कर या फिर सिलेंडर मांग। तो आप इतना बड़ा सिलेंडर उठाते कैसे हो? माता जी की कृपा से उठा लेता हूँ। आपको कभी अपनी मम्मी ने डंडा मारा या फिर मारा है? मम्मी ने डंडा नहीं, बेलन फेंक के मारा था। ऐसा क्या कांड किया था आपने? वो मैंने गलती से ABCD के बदले में सारा जे 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 लिख लिया था, इसलिए मम्मी ने बेलन फेंक के मारा था। आपकी क्लास यही खत्म होती है। उपकार है आपके जो आपने। ये तो आपका फर्ज। धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। बाय बाय। नमस्ते आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बताना। बाय। ये मजा करेंगे।